जमुना तट पे। ओह, जमुना तट पे जा रही हैं आप? हैं तो बड़ी नखरे वाली, चाल भी बड़ी मतवाली है आपकी। अच्छा तो चलो, पूरी जल भरने चली बने खटपे, दोरी जल भरने, हाँ दोरी जल भरने, ओ पूरी जल भरने चली बने खटपे। देखना किसी की नजर ना लग जाए। शोभा, यह काम करने वाली लड़कियों की हॉस्टल है, सैर सपाटा करने वाली लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन मिस सक्सेना, आप तो जानती हैं कि तुम... शट अप, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। कायदा कानून कोई चीज है कि नहीं? जब देखो पिकनिक, डिनर, डांस। सीमा एक ही ऐसी लड़की है जिससे मुझे कोई शिकायत नहीं। जी हाँ, इस हॉस्टल में सीमा एक ही अच्छी लड़की है और है भी बड़ी मेहनती। उनके पिताजी जो गुड़िया भेजते हैं उनको बेचकर अपना गुजारा करती है। सीमा की तरह अपना बर्ताव रखो। जी। बाप रे, मिसेस सक्सेना को जरा सा मौका मिल जाए तो लगते ले डालती। क्यों, क्या हुआ? तेरा सर अपने ऊपर झाड़ और तेरी तारीफ सुनकर चली आ रही है। सीमा ऐसी है, सीमा वैसी है, सीमा दुनिया की बेहतरीन लड़की है। जब देखो जब तेरी तारीफ करती रहती है। तो मैं क्या करूं? तू मिसेस सक्सेना से इतना बोल, तेरी मूर्ति बनवा के हॉस्टल में लगवा दे। सीमा डार्लिंग, आई मुसीबत। हेलो डॉली। हेलो सीमा डार्लिंग, फिर आज एक सेवा करो। हाँ हाँ बोलो। मिसेस सक्सेना से बोलना डॉली का दिन बाहर है, देर से आएगी। तुम खुद क्यों नहीं कह देती? हम सीमा को बोला, तुमको नहीं। सॉरी बाबा, सॉरी। प्लीज सीमा, तुम जानते हो हाउ टची शी इज अबाउट हर कायदा कानून। अच्छा अच्छा, मैं कह दूंगी। थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। बाय बाय। बाय बाय। आज मेरे और मिसेस सक्सेना के ग्रह बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? मंगल ने सब गड़बड़ कर दी। फिर गड़बड़ कर दी? प्लीज सीमा, आज मेरे लिए कह देना। हाँ मैं देर से आऊंगा। कहिए आपकी क्या खिदमत करूँ? मेरे लिए भी कह देना, मैं भी देर से आऊंगी। जी बहुत अच्छा, जरूर कह दूंगी। वाह क्या बात। अरे पगली, तू बिल्कुल बुद्धू है। हाँ, ये सारी लड़कियां तुझे पीछे गालियां देती हैं। सीमा इडियट है, बुद्धू है, गवार है, कोई छोकरा उसे मुंह नहीं लगाता। और जब सामने आती है ना तो बुद्ध बनाना शुरू कर देती है। सीमा डॉल, सीमा स्वीट हार्ट, माय डॉल। क्यों, जानती है ना मिसेस सक्सेना तेरी बात को नहीं टालती, इसीलिए वो तुझे बुद्ध बनाती है। अच्छा? हाँ। बनाने दो। क्या बनाने दो? तो ले कट्टी। कट्टी बस, आज से तेरी मेरी दोस्ती ही कर। कौन है? अंदर आओ। ये आपका पार्सल। ओहो राजा जी, आप यहाँ खड़े रहिए। ओहो कर्नल साहब आए हैं, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। आइए आइए। अरे अरे अरे, ये तो बड़ी भूल हुई, आप तो फौजी आदमी हैं, आपका सलाम भी फौजी होना चाहिए। सीमा डार्लिंग, क्या कर रही है? सीमा, सीमा दिया। सीमा, आज तुम सबका डिनर फिर बाहर है। यस डार्लिंग, तुम सब मिलकर मुझे हॉस्टल से निकलवा के रहोगी। इम्पॉसिबल, मिसेस सक्सेना लव्स यू सो मच। सीमा जी, आपका फोन आया है। सीमा जी का फोन? मेरा? चपरासी, तुमने गलत सुना होगा। जी नहीं, सीमा जी का फोन है। ओ, मेरा फोन? तुम लोग ठहरो, मैं आती हूँ। सीमा का फोन? मेरा फोन है। अरे फोन वोन कुछ नहीं, तू इतना। अरे तेरा टेलीफोन तो मैं हूँ। मैं? तू? हाँ। ना बाबा, आई एम श्योर फोन तुम्हारा था या मेरा। सीमा को कौन फोन करेगा? जमदूत तो फोन करेगा ना। सीमा, किसका फोन था जी? मेरा। तुम्हारा? I don't believe it. क्यों? Because. पर तुम तो कहीं बाहर जाती नहीं, किसी लड़के से बात तक नहीं करते। तुमने कितने टेलीफोन किया?
कर दिया किसी ने? योर बॉयफ्रेंड। और देखो डॉली, शीला, कमला, बिमला, आज तुम सब मिसेस सक्सेना से कह देना कि मिस सीमा का डिनर बाहर है, देर से आएंगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ काम करता है? काम? मिलिट्री में कर्नल है। कर्नल? आज तुम्हारा कहाँ डिनर है? क्यों बताऊं? बताओ ना। है तो अस्टोरिया होटल में। ओ सरपंच जी, जी मैम साहब, हमारे लिए जल्दी से एक टैक्सी मंगाओ। अच्छा मैम साहब। शोभा, ये बंधन की कहाँ जा रही हो? अरे मेरा तो डांस का प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया होटल में। ऑस्ट्रेलिया होटल में तो हम सब आ रहे हैं। तुम सब जा रहे हो? हाँ। सीमा अभी तक नहीं आई, आखिर कहाँ गई वो? कौन सा होटल कहा था उसने? अस्टोरिया। मेरे ख्याल से उसने रिट्स होटल कहा था, शायद वो वहाँ चली गई हो, और अगर आना होता तो अब तक आ भी जाती। तो चलो रिट्स होटल चले। चलो, नहीं नहीं, मेरा तो यहाँ डांस का प्रोग्राम है, ऐसा करो तुम लोग चले जाओ। बाय बाय। बाय बाय। सुनिए सुनिए, तो मैं आपसे कह रही हूँ। जी फरमाइए। मेरा नाम सीमा है। वेरी गुड, काफी खूबसूरत नाम है आपका। मुझे युवराज अमरदीप कहते हैं। मैं यहाँ लड़कियों के हॉस्टल। उन लड़कियों का हॉस्टल तो बहुत अच्छी जगह है, कब से रहती हैं आप? देखिए देखिए, इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जी साहब, आपकी कौन मदद नहीं करेगा। मैंने अपनी सहेलियों से एक शर्त लगाई है। शर्त क्या? मैंने झूठ बोल दिया है। झूठ? आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैंने अपनी सहेलियों से कहा है कि आज शाम का खाना मैं अपने अपने यू मीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाएंगे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जी। देखिए आप झूठ बोल रही हैं आप। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अपनी सहेलियों से तो यूं ही कह दिया था कि मैं अपने अपने उनके साथ खाना खाने वाली। जी हाँ। वेरी गुड। अपने फैंसी के साथ। लेकिन आप तो कह रही थी कि आपका कोई फैंसी नहीं, इसलिए तो परेशान हूँ। देखिए जी, अगर अगर आप थोड़ी देर के लिए यू मीन थोड़ी देर के लिए मैं आपका फैंसी बन जाऊँ? जी हाँ। वेरी गुड, आपका बड़ा एहसान होगा। अजी एहसान तो आपका है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए? जैसे आपकी खुशी। ये तो शोभा की बच्ची ने मुझे फंसा दिया। अजी भगवान करे ये शोभा की बच्ची आपको हमेशा फंसाती रहे। कमान डाले। देखिए। आपकी सहेली देख रही है, सब गड़बड़ हो जाएगी। कमान डालेंगे कटिंग देख। तुमने कितनी देर लगा दी? मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पॉकेट से निकली हो तो कौन युवराज है? थैंक यू। बुल्लू कहेगा ये लड़की कहीं गड़बड़ ना करते। हो सकता है। डार्लिंग तुम्हारी ये सहेलियां काफी शरारती मालूम है। बहुत शरारती है कम्बख्त। डार्लिंग तुम तो ऐसी नहीं हो ना। लो डार्लिंग, पसंद करो क्या खाओ। आप ही पसंद कीजिए ना। देखो जो सबसे अच्छी चीज हो वो दो प्लेट ले आओ। हाँ तो डार्लिंग सारा दिन तुम करती क्या रहती हो? ये डार्लिंग डार्लिंग की रट क्या लगा रखी है? इसलिए कि मैं तुम्हारा फैंसी हूँ, तुम्हारी सहेलियां सब देख रही हैं। तुमने खुद ही तो कहा था कि थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, और मैं हो गया। डार्लिंग
देर के लिए मेरे हो जाओ, मेरे दिल मेरी सांसों में खो जाओ, मेरे प्यार की छाओ में खो जाओ, मिले फिर न मिले कभी वो, थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, मेरे दिल मेरी सांसों में खो जाओ, मेरे प्यार की छाओ में खो जाओ, मिले फिर न मिले कभी वो, थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ। दरबान को जगा रहा। थैंक यू। डार्लिंग, वो मैं बहुत बहुत शुक्रिया युवराज, आइंदा आपको कभी ऐसी तकलीफ नहीं होगी। अजी, इसमें तकलीफ कैसी है, तो मेरी खुशनसीबी है, ऐसी तकलीफ तो आप मुझे रोज दिया कीजिए। जी नहीं, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। जी जी, थैंक यू डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, देखो मैं 10 बजे सुबह पहुंच जाऊंगा। नहीं भाई, 9 बजे नहीं आ सकता मैं, 8 बजे तो सो के उठता हूँ। पूरे 10 बजे, 1 घंटे में शॉपिंग हो जाएगी। थैंक यू, गुड नाइट माय डियर, गुड नाइट। थैंक यू डार्लिंग। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तुम्हारे लिए मिठाई नहीं ला सकती। पर मैं क्या करती, मैं जाने से तो जा ही नहीं सकी। मजबूरन मुझे अस्टोरिया होटल जाना पड़ा और वहाँ एक सचमुच के कर्नल से मुलाकात हो गई। बहुत अच्छा था वो, खूबसूरत भी था, उसकी आंखों में हर वक्त शरारत नाचती रहती थी। मुझे कर्नल तो पसंद है, उसकी शरारत पसंद नहीं।
जय, ओ जय, अरे कुछ देखा तुमने? क्या? अरे प्यारे सितारों का खेल, क्या अजीब लड़की मिली है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। चांद है आसमान में, तुम जमीन पर। अरे बुद्धू जमीन पर नहीं, खटिया पर हूँ। लेकिन तेरा मतलब क्या है? बेटा खुद को नहीं भूलना। चल बेखबरा, कभी दिल रखने की बात नहीं करता। दिल रखते रखते मोची के मोची रह जाओगे। अरे मोची होगा, तू जलता है मुझसे। एक बात बोलू? बोलो। कान लाई रहा? तू बुद्धू है बुद्धू। बस सच्ची बात कड़वी लगी, मुंह फेर लिया। फिर जताता हूँ, अपना जान धोखे में मत डालो। अबे जा जा, अपना जान मुसीबत में मत डालो। मुंह फेर के सो जा, मीठे सपने ले। गुड नाइट।
अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम साहब, ये कर्नल साहब ने आपके लिए भेजे। बहुत खूब, बहुत खूब, मोहब्बत रंग लाने लगी है। क्या गुड मॉर्निंग मैम साहब, ये कर्नल साहब ने आपकी खिदमत में भेजे। वाह 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 वाह, वर्थ इवनिंग पेरिस रोमांस, ये क्या है? इवनिंग पेरिस, यस रोमांस, स्वीट ड्रीम कैंडल, ये सब क्या बकवास है, क्यों परेशान करती हूँ मुझे? सीमा डार्लिंग, ये रोमांस मैं ले लूँ? ले लो ले लो, ये सब ले दो। अरे 10 बज गए। कहाँ चली रानी साहबा? जहन्नुम में। अरे वाह, एहसान गया चूल्हे में? ऊपर से आके दिखा क्यों? एहसान कैसा? तुम्हारी मुलाकात शहजादे से करवा दिया ना। वो तुझे को मुबारक हो, मैंने तो किसी तरह उससे जान छुड़ा। भाई किसी ने सच कहा है, मन मन भावे उंगली हिलावे। अरे इतना हसीन खूबसूरत शहजादा किसी को मिल जाए तो क्या वो छोड़ देगा? सच्ची शोभा, मुझे खेल बिल्कुल पसंद नहीं। राजकुमार अच्छे आदमी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन एक अजनबी आदमी से इस तरह खुलकर मिलना बड़ी बेशर्मी की बात है। पिताजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा बाबा, मान ली तेरी बात। मुझे क्या मालूम था हंसी हंसी में इतनी बात बढ़ जाएगी। ओह, लेकिन तू जा कर रही? राजकुमार ने इस वक्त आने का वादा किया था, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए उनके आने से पहले जा रही हूँ। तू चल मैं भी। गुड मॉर्निंग डियर, सिर्फ 5 मिनट लेट आया हूँ। मैंने आपसे रात में कह दिया ये नाटक खत्म हो गया। अजी मैम साहब, ये नाटक खत्म कहाँ हुआ, ये तो शुरू हो रहा है। चलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ओफ अजी, आप इन्हें समझाइए ना, 5 मिनट लेट क्या है, कितनी लंबी चौड़ी सजा देने पे तुल रही है। मुझे ना सीमा, चुप। अजी झगड़ा कोई नहीं, प्यार मोहब्बत की बात है, आप आइए समझाइए इन्हें जरा। सीमा 5 मिनट क्या बात है, हमारा बॉयफ्रेंड एक एक घंटा लेट आता है, फिर भी हम जाते हैं। देखा, एक घंटा लेट आता है वो जाता है, 5 मिनट लेट हो गया नहीं जाता है। कम अंदाजे जाना। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या ये कौन सा रास्ता है? ये वही रास्ता है जिसपे हम जाना चाहते हैं डार्लिंग। हम नहीं, आप अकेले। अरे डार्लिंग देखो देखो क्या हुआ। क्या हुआ? फूल पे धूल लगी है। उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है डार्लिंग। अरे ये आपकी जुल्फे भी आपके साथ बिगड़ने लगे। और जो चाहे शरारतें कर लीजिए, लेकिन डार्लिंग डार्लिंग मत बका कीजिए। आप तो सचमुच खफा हो गई डार्लिंग। मैं तो आपका खादिम हूँ, गुलाम हूँ आपका। लीजिए चुप हो जाता हूँ। अरे डार्लिंग मेरा मतलब तो ये, देखिए मैं आपसे कह चुकी हूँ ये नाटक खत्म हो गया। जी नहीं, नाटक तो अब शुरू हो रहा है। आप हुक्म दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। कहिए। मैं इस शहर में 3 दिन रहने वाला हूं। सीमा देवी, मेरी जिंदगी उस सहरा की मानिंद है जिसमें दूर दूर तक कोई साया नहीं। मैं क्या कर सकती हूं? आपके हॉस्टल से मेरे होटल तक और मेरे होटल से आपके हॉस्टल तक, सीमा देवी 3 दिन का मेरा यही सफर है। अगर आप चाहें तो मेरे सूखे सूखे सफर को खुशगवार बना सकती हैं। कैसे? हंसकर, बोलकर। तो फिर आप एक वादा कीजिए। क्या? ये 3 दिन खत्म हो जाने के बाद आप फिर मुझे परेशान नहीं करेंगे? जब आपसे मुलाकात ही नहीं होगी तो परेशान क्या करूंगा आपको मैं।
कितनी अच्छी दिख रही है सीमा। अच्छा बहुत अच्छी दिख रही है सीमा, तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी है। ओहो सीमा एक बात कहूँ? कहो सीमा, मिसेस सक्सेना से कहना। मिसेस सक्सेना से आज तुम सब कहना कि मैं सीमा का खाना बाहर है, देर से आएंगे। ओहो बंठन के कहाँ जा रही हो? कर्नल के साथ अपॉइंटमेंट होगा इसका। व्हाट अ लवर, क्यों ठीक है ना? बाय सीमा। चुप क्यों हैं आप? कुछ तो बोलिए। जबान साथ नहीं दे। जबान तो आपकी खूब चलती है। चलती है नहीं, कभी चलती थी। अब क्यों मजबूर हो गई? कहने के लिए सिवाय एक बात के और कुछ नहीं रह गया। पहले ही कौन सी कसर उठा रखी है वो भी कह डालिए ना। सीमा यूं तो हम एक दूसरे को सिर्फ दो दिन से जानते हैं, लेकिन ऐसे महसूस होता है जैसे मैं तुम्हें 200 बरस से जानता हूं। मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं देखना चाहता सीमा, कुछ नहीं देखना चाहता। तुम्हारी आवाज के सिवा और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ख्याल के सिवा और कोई ख्याल मेरे दिमाग में या मेरे तसव्वुर में आए। कैसे अनजाने अनजाने मिले और अनजाने अनजाने ही एक रास्ते पर चल पड़े। इस रास्ते की मंजिल न जाने कहाँ होगी। वो मैं नहीं जानना चाहता। सीमा मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत की जिंदगी सिर्फ एक पल की है। इस एक पल के लिए मैं तमाम दुनिया को भूल जाना चाहता हूं। मैं अपने जहन पर माजी और मुस्तकबिल के तमाम दरवाजे बंद कर देना चाहता हूं। सीमा अनजाने अनजाने में जो मुलाकात हुई, बेहोशी के आलम में उसे अनजाने अनजाने में ही खत्म कर देना चाहता हूं। रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने। ये प्यार नहीं तो क्या है? रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने। प्यार नहीं तो क्या है? रस्ते में तो अनजाने जैसे ये पुरानी मुलाकात हो, मिलना यूं ही सी कोई बात हो। जैसे ये पुरानी मुलाकात हो, मिलना यूं ही सी कोई बात हो। दो हाथ बढ़े दो हाथ मिले, ये मिल गए जाने पहचाने। रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने। ये प्यार नहीं तो क्या है? रस्ते में तो अनजाने
सारी दुनिया को छोड़ के मिल गए यूं ही एक मोड़ पे, पीछे सारी दुनिया को छोड़ के मिल गए यूं ही एक मोड़ पे। दो नैन उठे दो नैन झुके, ठहर गए जाते जमाने, रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने। ये प्यार नहीं तो क्या है, रस्ते में दो अनजाने। चल दिए राह में झूम के, हंस पड़े मंजिल घूम के, चल दिए राह में झूम के, हंस पड़े मंजिल घूम के। मचलते हुए संभलते हुए, किधर चले कौन ये जाने, रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिल दीवाने, जैसे नहीं दीवाने। ये प्यार नहीं तो क्या है, रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिल दीवाने, जैसे नहीं बेगाने। ये प्यार नहीं तो क्या है, रस्ते में दो अनजाने। हे जैक, आ बेटे, तेरे से कुछ बातचीत करने हैं। अब इधर देख, अबे घन चक्कर उधर क्या देख रहा है दीवार को, इधर देखना। अरे वारे तेरा नखरा, जानता है कहाँ जा रहा हूँ मैं? वक्त खराब करने के लिए। अबे वक्त खराब करने नहीं, किसी से मिलने। मैं जानता हूँ, जब से सीमा मेरी जिंदगी में आई है ना, तू जलने लगा है। याद रख, अकेला रह जाएगा। मैं नहीं, तुम। अरे मैं तो वो ऐश करूंगा कि तू देखता रह जाएगा। सपने में? सपने में नहीं, जागते में। डालिंग और कुछ खाओ ना। नहीं बस। डालिंग आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम मुझे अच्छी नहीं लगती। तो डालिंग ऐसा करो, कॉफी पियो। कॉफी पीने से तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती। अब मैं जाऊंगी, बहुत देर हो गई। जाओ। हाँ। चलो चलते हैं। चलो। युवराज, मैं आपकी होने वाली दुल्हन का नाम जान सकता हूँ? डालिंग ने अपना नाम बता दीजिए। आपके कैमरे का मॉडल तो बिल्कुल नया मालूम होता है। देख सकते हैं? ओह यस, श्योर श्योर, लीजिए। थैंक यू। मालूम होता है इसे आपने चोर बाजार से खरीदा है। जी। मेरा मतलब है काले बाजार से खरीदा है। मार्केट में तो ये चीज नहीं मिलती। मिलती है, मगर दाम जरा ज्यादा देना पड़ता है। बिना इजाजत किसी की तस्वीर खींचना बुरी बात है। Idiot. All right, all right. La 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 la. La 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 कहो कौन हो तुम,
darling, yes my darling, yes my darling. तुम अपने ख्वाबों में देखा करती हो वो मैं हूं। सच? हाँ सीमा, जो तसव्वुर में तुम्हारी जुल्फों के साथ खेला करता है, जो खुशबू की तरह तुम्हारे रोम रोम में समा गया है सीमा, वो मैं हूं। मैं कर्नल सीमा, ना मैं कर्नल हूं ना युवराज, अब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत हूं सीमा। क्या मोहब्बत का नाम जलजला है, आंधी और तूफान है, ये दिन रात की बेचैनी है? हाँ, अगर दिल की धड़कनें बढ़ा न दे, रातों की नींद हराम न कर दे और जिंदगी का चैन न लूट लेते, इसे मोहब्बत कौन कहे सीमा। डरो मत, यही बेचैनी एक दिन चैन बन जाएगी। धड़कनों की तेज रफ्तार प्यारी मालूम होगी, रातों को नींद में मीठे मीठे सपने आया करेंगे, और सीमा, उन सपनों में मैं तुमसे मिलने आऊंगा।
तुमसे ढेर सी बातें करूंगा, तुम्हें अपने साथ बहुत दूर ले जाया करूंगा। चलोगे ना मेरे साथ? गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, पहला गई युवराज साहब। बकबक मत करो। मैं बकबकता नहीं हूँ, मैं फरमाता हूँ, और वो ये फरमाता हूँ कि हर हाइनेस और हिज हाइनेस यानी आपके माता पिता ये सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे कि युवराज साहब ने शादी करने का इरादा कर लिया है। अरे शादी तो शादी, दुल्हन भी पसंद की है, और दुल्हन को पसंद करते ही दिल्ली में एस्टोरिया होटल में कल रात को डिनर भी खाया है। मुबारक हो, मुबारक हो। देखो तुम्हें बहुत दफा कहा है कि रात को कम पिया करो, सुबह होते ही उठ पटांग पकना शुरू कर देते हो। हैं पटांग, ये क्या है? एडीसी सरकार, हम लोग रात शिकार को गए थे। शिकार को तो गए थे लेकिन शेर के बजाय शेर। बस बस मत करो, मैं ये पूछता हूँ हम लोग दिल्ली गए थे रात को? नहीं सरकार। देन व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये तस्वीर इसमें कैसे छप गई? एडीसी सरकार, फौरन दिल्ली चलने की तैयारी करो। क्यों? ऐसा लगता है ये कोई बदमाश है जिसकी सूरत हमसे मिलती है, इसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। और ये लड़की भी इसके साथ मिली मालूम होती है। अरे वाह, चुपके से मंगनी भी कर ली और मिठाई भी नहीं खिलाई, क्यों? आओ कने, बड़ी पक्की हो तुम। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी शादी कब हो रही है? ये तुम सब क्या कह रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो ये तस्वीर, तुम समझते थे जैसे किसी को मालूम ही नहीं होगा। अब बताओ अब क्या कहने वाली हो? हेलो सॉरी हो युवराज साहब, हेलो 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 एस्टोरिया होटल। अजी एस्टोरिया होटल तो एक बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग में बातें नहीं किया करते। आप कौन साहब हैं? आप किसे चाहती हैं? युवराज को, मेरा मतलब है कि युवराज से बात करना चाहती हूँ। अजी बिन बुलाए हाजिर हूँ, आपका गुलाम ही बोल रहा है। युवराज ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी तस्वीर अखबार में क्यों छपवाई? मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं शादी करूंगी? बस तूफान मेरी छोड़ दी, कुछ मेरी भी तो सुनिए। वो तस्वीर तो आपने जाया कर दी थी, उस कम्बख्त फोटोग्राफर ने दूसरी कर ले ली, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हें मालूम हो या ना हो सब कुछ तुम्हारा ही है, आज से हमारी दोस्ती खत्म, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। सीमा, सीमा सुनो तो, सीमा चाचा जी बधाई हो। किस बात की? मुबारक चाचा जी, कांग्रेचुलेशन। क्या मुबारक हो? देखिए चाचा जी, सीमा की मंग श्याम नगर के युवराज के साथ, सीमा रोज युवराज के साथ जाती है। परसों तो उसकी चिट्ठी आई थी, उसने तो मुझे कुछ नहीं लिखा। पिताजी कब आया? बेटी ये सब क्या बात है? पिताजी मैं आपको लिखने ही वाली थी, आइए मैं आपको समझाती हूँ। रियली सीमा इज अ लकी गर्ल, बड़ी तकदीर वाली है। हेलो हेलो एस्टोरिया होटल, जरा युवराज जी को दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ सीमा। जी आपने तो दोस्ती तोड़ दी थी, फिर ये तकलीफ क्यों की? सुनो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। ना बाबा, पहले थोड़ी सी मदद की थी तो इतनी बातें सुननी पड़ी, और मदद करूंगा तो शायद जूते खाने पड़ेंगे। मगर ये मुसीबत भी तो तुम्हारी लाई हुई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत, बात क्या है? बात मैं वहीं आके बताती हूँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। हमारा भी गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। गुड मॉर्निंग। है ये तो आपका इनाम है? मतलब बदमाश के बच्चे, राजकुमार तुझे किस लिए बनाया था? इसलिए कि ये शक्ल असली राजकुमार से बहुत मिलती हुई है। हमने सोचा था असली राजकुमार के आने से पहले पहले जौहरी से नेकलेस हमें आसानी से मिल जाए, मगर रोमियो बनकर इसने तस्वीर खिंचवाई और सारी बाली चौपट कर दी। क्या तुम राजकुमार के एडीसी नहीं हो? सवाल तो बड़ा हसीन है लेकिन टू लेट। जबान बंद रख और सुन, अपना काम असली राजकुमार के आने से पहले करना है, समझा? समझ गया। तुम लोग 420, तुम लोगों ने कहा था कि असली राजकुमार शराबी कबाबी है, राजमाता को खुश करने के लिए तुम लोग मुझे राजकुमार बना रहे हो, लेकिन तुम लोग ब्लैकमेलर हो।
मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। बदमाश थम गई। नहीं मानेगा तो याद रख, तेरी माँ हमारे कब्जे में है। मेरी माँ? हाँ हाँ, घबराना मत, वो बिल्कुल अच्छी है, रोज हलवा पूरी खिलाती है। चलो, हम अभी जौहरी को लेकर आते हैं। नेकलेस लेने में हमारी मदद करना। बिल्कुल पढ़ाए हुए तोते की तरह बोलना, समझे? वरना तुम्हारी माँ। चलो Yes, come in. Kumar sahab. आप कौन हो तुम? जी मैं वो सरकार, ये वही बंदर है जिसका ये फोटो है। इसकी शक्ल सरकार से मिलती है। ओए शट अप। सॉरी। तुम ठग हो, बताओ तुमने हमारे नाम से क्या क्या बदमाशी की है। जी मैंने कोई बदमाशी नहीं की है। तब तो तुम बड़े अच्छे आदमी मालूम होते हो। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। से। देखो युवराज साहब जो कुछ पूछते हैं वो ठीक ठीक जवाब दो, समझे? मैं कहूंगा तो शायद आप यकीन नहीं मानेंगे। हमारा ख्याल है तो अकेले नहीं, पूरी टोली है। वो लड़की भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। राजकुमार मुझे चाहे जो कह लीजिए, लेकिन उसे कुछ मत कहिए, वो बेचारी बिल्कुल बेकसूर है। कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है वो सब पुलिस बताएगी। ए, हुजूर, पुलिस में मेरा भतीजा है, इस नाते से मैं पुलिस का चचा लगता हूं। ओए शट अप। तारीफ उनका है। राजकुमार साहब आप पुलिस को जरूर बुलाइए, लेकिन दो मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। ये कोई नई चाल है क्या? यकीन मानिए युवराज, इसमें कोई चाल नहीं, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। कहो क्या कहना चाहते हो, बैठ जाओ। युवराज मैं राजकुमार खुद नहीं बना, बल्कि बनाया गया। हाँ तो ये बात है, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा उन बदमाशों के साथ कोई वास्ता नहीं, तो भी तुम्हें इस कमरे में उस वक्त तक बंद रखा जाएगा जब तक ये पता ना चल जाए कि तुम बेकसूर हो। सरकार इसको बंद करने के लिए एक बड़ा पिंजरा बनवा दे। शट अप। हाँ तो ये बताओ बदमाश कहाँ है जो हमारे एडीसी बने हुए हैं? जी वो जौहरी को लेने गए, अभी आधे घंटे में आ जाएंगे। तुम्हारी और उसकी मुलाकात इसी होटल में हुई थी? जी हाँ। और वो भी दो रोज पहले? जी हाँ। और तुम कहते हो कि बेकसूर है, मजाक मजाक में संजोग का शिकार बन गई। आप मिलेंगे तो खुद ही अंदाजा कर लेंगे कि वो कितनी भोली और मासूम। शायद वो आ गई। राम सिंह तुम इसको यहां रखो, मैं लड़की को खुद मिलकर आता हूं। युवराज पिताजी आ गए हैं, उन्होंने हमारी तस्वीर देख ली है और मैंने झूठ बोल दिया कि हमारी मंगनी हो गई है। ऐसा ना कहती तो वो समझते मैं रातों को बाहर घूमती हूँ, होटल में जाती हूँ, पराए मर्दों के साथ नाचती हूँ, जाने क्या क्या समझते। तुम तो जानते हो तुम पराए नहीं हो, मैं सच कहती हूँ तुम्हारे सिवा कभी कभी किसी के साथ कहीं नहीं गई। तुम भी यही कहना कि हमारी मंगनी हो गई है। ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा क्या? बोलो ना, तुम मेरी मदद करोगे? कहोगे ना कि हमारी मंगनी हो चुकी है? अच्छी बात है, तुम मुझे जलील करना चाहते हो तो कर लो, मैं जाती हूँ। ठहरो कुमारी। क्या कहा तुमने? कुमारी? और किस नाम से पुकारूं आपको? यही नाम ठीक है, लेकिन
तुम्हारी आवाज बिल्कुल नई से सुनाई दी, इसलिए चौंक पड़ी। देखिए, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? जी, मैं जैसे भी कहूंगा आपको करना होगा। क्या? हमारी तस्वीर मेरे माता पिता ने भी देख ली है, और वो भी यही समझते हैं जो आपके पिता समझते हैं। थोड़े दिनों के लिए आपको मेरे साथ रियासत चलना होगा। ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं भी मजबूर हूं। क्या? आपको अपनी इज्जत प्यारी है, मेरी नहीं। लेकिन जरा सोचो तो। सोच लिया है। आप चलकर मेरे माता पिता को सूरत दिखा दीजिए, उसके बाद वापस चली आइए। थोड़े दिनों के बाद कोई झूठा बहाना करके हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। वादा करते हैं? जी हाँ। लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अपनी सहेली शोभा को भी साथ ले जाऊंगी। मुझे कोई एतराज नहीं। तो ठीक है, पिताजी आते ही होंगे तुमसे मिलने। आइए, जौहरी को ले आया हुजूर। हुजूर का हुक्म मिला, हाजिर हो गया। वो नेकलेस तैयार हो गया? जी हाँ जी हाँ। हुजूर, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ हाँ, जरूर किया होगा, जरूर किया होगा। मुलाजा फरमाइए हुजूर। ओ जी, पसंद आया हुजूर को? बहुत, इनाम के काबिल काम किया है। जौहरी, इसके दाम हम रियासत जाते भिजवा देंगे। कोई जल्दी नहीं हुजूर, कोई जल्दी नहीं। चलिए हुजूर, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम अभी वापस आते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। नमस्ते, मैं बनवारी लाल हूं, सीमा का पिता। नमस्ते जी, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। मैं राजकुमार हूं। राजकुमार साहब, क्या ये ठीक है कि? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मेरी और सीमा की मंगनी हो चुकी है। ये देखिए, मैं आज इसे अपने माता पिता से मिलाने रियासत जा रहा हूं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अच्छा, एक मैं दूसरी स्टोरी सुनाता हूं। एक शिकारी अपनी दम्बू लेकर एक जंगल में जाकर शिकार हो जाऊ, फट से गोली मारी तो शिकार गिर गया। राम से उठ गया। ओ सरकार, येलो नेकलेस, तुम अपनी माँ को बचाओ, सीमा मेरे साथ जा रही है। आपके साथ? क्यों? इसलिए कि उसकी मंगनी राजकुमार के साथ हुई। ये झूठ है, उसकी मंगनी आपके साथ नहीं हुई। मैंने कहा राजकुमार के साथ हुई है। नहीं, मेरे साथ। तुम राजकुमार नहीं हो, सीमा सिर्फ राजकुमार से मिली है, तुमसे नहीं। फिर भी तुम्हें एक मौका और देता हूं, सोच लो। तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है, ये सीमा। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुमने भी तो वही किया, मेरी तुम्हारी सूरत एक ना होती, ना तुम नकली राजकुमार बनते, ना तुम्हारी सीमा से मुलाकात होती। लेकिन मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। याद रखो, बाजी मेरे हाथ में है। तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें सीमा चाहिए या नेकलेस। तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है या? मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए। मुझे अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है। तो वादा करो, तुम आज के बाद मेरे और सीमा के बीच में कभी नहीं आओगे। कोशिश करूंगा। किधर है? अभी तक नहीं आए। कहाँ है? युवराज अभी तक नहीं आए। सफर के थके हुए हैं, आते होंगे। हाँ, खाते होंगे। खाने दो, खाने दो, बच्चा है, बच्चा। खाते नहीं, आते होंगे। ओ ओ आते होंगे। आते होंगे, आ रहे हैं। ओ महारानी, महाराज, युवराज पधारते हैं। मेरा बेटा। मेरा लाल, अति सुंदर, बहुत सुंदर है। पिताजी, हाँ,
कहाँ हो बेटा, बहुत देर लगा दी तुमने तो। पिताजी सीमा देवी ये है। अब क्या क्या है? सीमा देवी ये है। अच्छा जी, आह जीती रहो जीती रहो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। सेक्रेटरी 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 सुंदर है। मैं तो लाखों में एक अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा। हीरा? हीरा कहाँ से आ गया? अरे हीरा कहाँ से आ गया? मैं तो लकड़ी की बात में क्या क्या नाम रखो, लड़की की बात कर रहा था। कौन लड़की, किसकी लड़की, क्यों लड़की, कब से लड़की? मैं कहता हूँ आपको आम खाने हैं या पेड़ गिनने? पेड़ गिनने, आम खाने हैं, मीठे। आपको छोटा चाहिए? नहीं छोटा नहीं, बड़ा चाहिए। आप नहीं समझे। कहिए। युवराज का लड़का यानी पोता चाहिए? हाँ, हाँ मुझे पोता चाहिए और अभी चाहिए। मैं कहता हूँ कि कहाँ कहाँ है वो? सेक्रेटरी 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 सेक्रेटरी। थैंक यू थैंक यू। जोशी को बुलाओ हम कहते हैं, और उससे पूछो, और फौरन बुलाओ और पूछो उससे कि शादी कब होगी और पोता कब होगा। हमें एक अदद पोते की जरूरत है, एक अदद पोते की जरूरत है, और अभी जरूरत है। महारानी जी, महारानी जी, अब एक बात पूछूं, एक बात पूछूं। क्या? वो ये कि मैं, हमें तो आम खाने हैं मीठे। नहीं नहीं, तो मैं के बे सिक मिसना, मैं एक बात तो सुनिए आप जरा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन आपने तो एक महीने ठहरने का वादा किया था, पूरे 30 दिन। अगर यहाँ यही सब होता रहा तो मैं यहाँ 3 दिन भी नहीं ठहर सकती। लेकिन मिस सीमा, यहाँ क्या हो रहा है? कौन सी बात है जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? पोता कब होगा, शादी कब होगी, ये सब क्या बकवास है? जोशी क्यों बुलाया जा रहा है? जोशी को नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। और कोई हुक्म मिस सीमा? आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को भेज दूं? जी नहीं। तो फिर सर दबाने के लिए किसी दासी को बुलवा दूं? जी बिल्कुल नहीं। फिर क्या करूं मिस सीमा? कहा ना, यहां से तशरीफ ले जाइए। बहुत बेहतर। ओहो, जब देखो मिस सीमा मिस सीमा मिस सीमा, मैं तो तंग आ गई हूं सुन सुनकर। मैंने कहा रानी साहबा, आज सुबह सुबह किस पे नाराज हो रही हो? मिस सीमा पर। मिस सीमा पर और क्या, वो खड़ी तो है तुम्हारे सामने। ओ, हवा से लड़ रही हो? नहीं तब्दीली है भाई, तब्दीली है तेरा सर। ना तू कहती, ना मैं अस्टोरिया होटल जाती, ना ये मुसीबत मेरे गले पड़ती। तो ये मुसीबत कब से समझने लगी? वहां दिल्ली में तो डार्लिंग खाओ वो खाओ, डार्लिंग वहां नहीं चलता है। डार्लिंग ये साड़ी कितनी अच्छी लगती है, और यहाँ मिस सीमा मिस सीमा मिस सीमा मिस सीमा, सुनते सुनते मेरे दुकान पक्के। अच्छा तो ये बात है रानी जी, वहां तुम्हें डार्लिंग पसंद नहीं था, यहाँ मिस सीमा नहीं, तो पसंद क्या है? कह दो ना, मैं युवराज से कह दूंगी। ये भी कोई कहने की बात है, ये तो समझने की बात है। सर शोभा, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता कि युवराज को यहाँ आकर क्या हो गया है, बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे नई पहचान हो। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं एडिसन से पूछ लूंगी। वो जो मिलते थे कभी वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी
मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी, वो जो मिलते थे कभी। एक दिन था कभी यूं ही जो मचल जाते थे, खेलते थे मेरी जुल्फों से बहल जाते थे, वो परेशान थे मेरी जुल्फ परेशान थी, वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी, वो जो मिलते थे कभी। वो मोहब्बत वो शरारत मुझे याद आती है, दिल में एक प्यार का तूफान उठा जाती है, थी मगर ऐसी तो उलझन में मेरी जान थी, वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी, वो जो मिलते थे कभी। कौन है? आपका खादिम। आइए आइए, मुझे तलाश थी आपकी। जी युवराज साहब ने मुझे भेजा है कि आप क्या कर रहे हैं? जी मुझे युवराज साहब ने भेजा है कि मैं आपकी खातिर करूंगी। खातिर कई तरीके की होती है, इंग्लिश खातिर होती है जी, हिंदुस्तानी खातिर होती है। मिस्टर सेक्रेटरी, मुझे ऐसा लगता है आपकी खातिर करनी पड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड, मिलाइए हाथ, हाथ मिलाइए। अरे छोड़िए, आप आदमी हैं या घनचक्कर? जी मैं घनचक्कर ज्यादा आदमी कम, नहीं नहीं मेरा घनचक्कर ज्यादा आदमी कम, नहीं नहीं मेरा मतलब है घनचक्कर कम आदमी ज्यादा। मिस्टर घनचक्कर, खड़े हो जाइए। हो गया, बैठ जाइए। बैठ गया। देखिए कमाल की बात है, युवराज साहब ने मुझे भेजा कि मैं आपकी खातिर करूं और आपने मेरी खातिर शुरू कर दी। जैसे युवराज वैसे उसका सेक्रेटरी। थैंक यू मिस्टर सेक्रेटरी साहब। ये युवराज साहब यहाँ आके बदल क्यों गए हैं? दिल्ली में थे तो माय डार्लिंग माय डार्लिंग माय डार्लिंग, और यहाँ आए तो मिस सीमा मिस सीमा मिस सीमा मिस सीमा। इसके सिवा उनके पास दूसरा लफ्ज ही नहीं है, ऐसे मालूम होता है जैसे वो सीमा को पहले से जानते ही नहीं। अजी साहब जानते हैं और बिल्कुल जानते हैं। पहली बात तो ये है कि ये रियासत श्याम नगर का महल है, दिल्ली का होटल नहीं। और दूसरी बात ये है कि क्या है दूसरी बात? ये याद आ गया, दूसरी बात ये है कि हमारी युवराज साहब के दिमाग के अंदर साइकिल है। देखिए बात ये है, हमारे राजकुमार की सबसे पहले बात ये है कि वो पिछली जन्म की बातें उन्हें याद आ जाती है और इस जन्म की बातें वो भूल जाते हैं। और तीसरी बात ये है सुंदरी, सुंदरी माफ करना, मैं खूबसूरत लड़कियों को मैं हमेशा सुंदरी कहा करता हूँ। अच्छा वो तीसरी बात जो थी हमारे राजकुमार की वो ये थी कि वो तीसरी बात क्या थी? मालूम होता है आप भी जन्म की बातें भूल जाते हैं, जब याद आ जाए फिर आ जाइएगा। अच्छी बात है। अब जाइए भी, मेरा मुंह क्या तक रहे हैं, जाइए ना। आप भी अजीब है, आपकी बातें भी अजीब है, कभी आगे कभी पीछे। मैं क्या कहूं, आपका चक्कर भी अजीब है, कभी आगे कभी पीछे।
ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे, कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ओ कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे। कल थे फिर क्यों नहीं आए रोई मैं कलेजा मल के, आए है जरा हलके वो दिन समझना जी मुझको, सब देखो मैं अपनिया मीठे, ओ कभी पीछे कभी आगे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे। कुछ समझ सनम क्यों मिलते हैं हम छिप छिप कर, क्यों दिल पर आशिक है तेरे फिर भी है किसी के नौकर, है जोकर एक बार इधर खींचे है दिल एक बार उधर को खींचे, कभी पीछे कभी आगे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे। किस ढब से छोटों से बड़े मिलते हैं गले मतलब से, हाँ आज कब से हमने तो यही चक्कर देखा इस नील गगन के नीचे, ओ कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ओ कभी पीछे कभी आगे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे। सरकार आपकी कमबख्ती आ गई सरकार। क्या बात है? मेरा मतलब है मामला जरा गड़बड़ हो गया है, सीमा और सुंदरी। कौन सी सुंदरी? वो शोभा सुंदरी। ओफ शोभा सुंदरी। सरकार वो दोनों समझते हैं कि आपका चौकटा, मेरा मतलब है कि आपकी सूरत तो वही है, बातचीत भी वही है, चाल डाल भी वही है, तीन ताल भी वही है। क्या तीन ताल? माफ करना सरकार, रवानी में कह गया। उनका मतलब ये है कि आप वैसे ही क्यों नहीं हैं जैसे कि आप दिल्ली में थे। वो तो हम भी सोच रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए, अगर कहीं भेद खुल गया तो। तो सरकार की मौत है। शट अप। नहीं, मेरा मतलब है सरकार की मोहब्बत की मौत है। मिस सीमा आपको वही लड़का समझती है जिससे वो पहले मिल चुकी है, अगर आप उसका दिल जीतना चाहते हैं तो आप भी उसी तरह बातें कीजिए जैसे वो लड़का करता था, नहीं तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मिस सीमा के मोहब्बत में गनचक्कर बन गए हैं। क्या है? मेरा मतलब है रफू चक्कर बन गए हैं। मेरे जमान को कुछ क्या हो गया मुझे कुछ पता नहीं। सरकार मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मिस सीमा पर दिलो जान से फिदा हो गए हैं। वो तो हम हो गए। सरकार सादा जबान में इसी को घनचक्कर होना कहते हैं, अगर माशूक बस में ना आए तो रफू चक्कर हो जाना पड़ता है। देखो बक बक बंद करो और ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इस सरकार सर नीचे और टांगे ऊपर करनी चाहिए। मेरा मतलब है इसमें घबराने की कोई बात नहीं सरकार, अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि उस लड़के ने सीमा देवी से किस तरह और क्या बातें की है तब मजा आ जाए। क्या ख्याल है?
मगर ये सब तो वही लड़का बता सकता है और कौन जाने वो कहाँ है। बेटा जब से तू वापस आया है तेरी अजीब हालत है, न ठीक से खाता है न ठीक से कोई काम धंधा करता है। आगे तुझे क्या तकलीफ है मेरे लाल? माँ मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, न जाने उन बदमाशों ने तुम्हें कितनी तकलीफ दी होगी। नहीं बेटा उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, तो दुखी ना हो। माँ तुम तो जानती हो तुम्हारी एक पल की खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। अरे तू तो बेकार मेरी चिंता करता है। देख मैं कितनी अच्छी भली हूँ। बेटा तू कहीं बाहर निकला कर कोई काम धंधा देख, तेरा जी बहल जाएगा मेरे लाल। अच्छा माँ जैसे तू कहती है वैसे ही करूँ। जीते रहो बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा। ए जैक क्या है यार? दिल नहीं लगता। दिल की छोड़ रोटी की फिक्र कर। अबे बेटू तुझे हमेशा रोटी की पड़ी रहती है। और क्या ये पूछो रातों की नींद क्यों हराम कर रखी है? अरे तू तो रातों को आराम से सोता है, तुझे किस बात की फिक्र है? हाँ बेटा और तू जागते में सपने देखता है। बेटा खाना तैयार है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर युवराज के दिमाग की यही हालत रही तो किसी दिन हमें भूल जाएंगे। ओ यस, हो सकता है। हाँ, फिर तो ये भी हो सकता है कि किसी दिन अचानक हमें यहाँ देखकर हैरान होकर पूछने लगे कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, किससे मिलना है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है। युवराज के दिमाग की साइकिल को सीधी तरह चलाने की एक तरकीब समझ में आई है। अच्छा तो फिर बता। युवराज आए हैं शायद। जा तू जा। रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने, ये प्यार नहीं तो क्या है? रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने, जैसे ये पुरानी मुलाकात हो मिलना यू। अरे आप कब आए? आइए आइए ना। मिस सीमा आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, यूं ही एक पुरानी बात याद आ गई। अच्छा आपने गाना सुना जो मैं अभी गुनगुना रही थी? जी हाँ सुना है, बहुत अच्छा गाना है। आप भी गुनगुनाइए ना। मैं तो ये गाना नहीं जानता। आपने ये गाना कभी नहीं सुना? जी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं सुना। आपको ये गाना बिल्कुल नहीं आता? जी नहीं बिल्कुल नहीं आता। खैर छोड़िए मैं आपके लिए फूल लाया। मुझे फूल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मिस सीमा देखिए ना आपके रुखसार पर क्या लगा है। कहाँ लगा है? जी इस गाल पर। मुझे साफ करिए। आदमी भी अजीब होता है, कभी तो मिट्टी का मधु हो जाता है और कभी बहाना निकाल के चलती गाड़ी रोक लेता है, अपने रुमाल से जबरदस्ती मुंह साफ करता है, बालों को छूने का बहाना निकालता है, रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और गाना गाता है। किसने किया ऐसा? बड़ा बदतमीज आदमी था वो। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर
किसी ने मेरी सहेली के साथ ऐसा किया था। क्या हुआ मिसीमा? मेरे सर में दर्द हो रहा है। कमाल है, उस बदतमीज का नाम आते ही आपके सर में दर्द होने लगा। आप ठीक फरमाते हैं। तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जी कोई जरूरत नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। मैंने वो पिछली बातें दोहराई जो मेरे और युवराज के दरमियान हुई थी, पर उन्हें कुछ याद नहीं आया शोभा, वो सब कुछ भूल गए। मुझे यहाँ सुन ले चल, मैं पागल हो जाऊंगी। जल्दबाजी से काम न ले सीमा, अगर तू यूं ही चलेगी तो पिताजी को मुंह क्या दिखाएगी? दुनिया वालों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ओहो, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। माँ तू ठीक कहती थी, मैं घर में पड़े पड़े तंग आ गया। तू जा बेटा, कोई काम धंधा ढूंढ। इरादा तो यही है माँ, सोचता हूँ वो शामनगर रियासत है ना, वहां चला जाऊं। इतनी दूर जाएगा मुझे यहाँ अकेले छोड़कर? मैं तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन शायद वहां को मेरा काम बन जाए। तेरी खुशी पर कब जा रहा है? बस आज ही चला जाऊंगा। आज ही? हाँ। अच्छा तुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बना तो दूं। जो तेरा जी चाहे बना दे। हाँ? अच्छा चल 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 मेरे दिल, प्यार तेरी है मंजिल, जहाँ प्यार मिले दिलदार मिले वहीं चल चल चल। चल 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 मेरे दिल, प्यार तेरी है मंजिल, जहाँ प्यार मिले दिलदार मिले वहीं चल चल चल। चल 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 मेरे दिल, पड़े न फिर पछताना वहां, जो भी पड़े सब सहले, चल उसकी गली में पहले। जो भी पड़े सब सहले, चल उसकी गली में पहले। कहती है दुनिया आज अगर तो तुझको दीवाना कह ले, हंस के पुकारे हंसने दे प्यारे, दुनिया तो है जाहिल। चल 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 मेरे दिल, प्यार तेरी है मंजिल, जहाँ प्यार मिले दिलदार मिले वहीं चल चल चल। चल 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 मेरे दिल, तुझको चलते दिल होंगे हजारों जलते, देख के तुझको चलते दिल होंगे हजारों जलते। फिर भी तू अपनी धुन में निकल जा, गिरते और संभलते, देख न डरना खौफ न करना, कुछ भी नहीं मुश्किल। चल 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 मेरे दिल, प्यार तेरी है मंजिल, जहाँ प्यार मिले दिलदार मिले वहीं चल चल चल। चल 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 मेरे दिल, बैठ के गम क्यों झेले, हाथों में वो दामन ले ले। बैठ के गम क्यों झेले, हाथों में वो दामन ले ले। करके निगाहें चार जरा तकदीर की बाजी खेले, फिर वही मैं हूँ फिर वही तू हो फिर हो वही महफिल। चल 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 मेरे दिल,
तेरी है मंजिल, जहाँ प्यार मिले दिलदार मिले वहीं चल 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 मेरे दिल, प्यार तेरी है मंजिल, जहाँ प्यार मिले दिलदार मिले वहीं चल 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 मेरे दिल, चल 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 मेरे दिल, चल 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 मेरे दिल, चल 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 मेरे दिल। महारानी इस तुपले के तमाशा है, हाँ जी पुतला भाई, इस पुतले का तमाशा देखकर प्रोफेसर साहब हम बहुत ही खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। सेक्रेटरी, 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 थैंक यू। सुनते नहीं हम क्या कह रहे हैं, तुम खुश नहीं है? देखिए ना सरकार साथ खिली हुई है। हाँ हाँ ये बाछी खिली है तुम्हारी। अरे भाई ताली क्यों नहीं बजाते? अरे ताली बजाओ। ए जैक, क्या है? हंसता क्या है? महाराज के सामने तमीज रखनी चाहिए। हैं? बंदर है। हैं? क्या बकता है? तुम मैं क्यों? महाराज तो मेरा तमाशा देख के बहुत खुश है। हाँ हाँ हम इनका तमाशा देखकर बहुत खुश हैं। प्रोफेसर साहब हाँ युवराज, युवराज तुम भी तो हो ना? जी हाँ। हम भी आज बहुत खुश हैं। हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। महाराज शादी करेंगे? रानी को पूछ लिया? और हाँ अबे घन चक्कर, महाराज युवराज की शादी करेंगे अपनी नहीं। ए प्रोफेसर साहब तुम बहुत समझदार हो। थैंक यू सर। मेंशन नॉट। देखो ना युवराज की शादी तक हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नो मेंशन इट। ओके सर। ओके ओके। हम तुम्हें यहीं रखेंगे। थैंक यू सर। ए जैक देखा देखा महाराज जी क्या कहते हैं? जैक सुना तुमने? हाँ देखो और सुन लो, हमारा जी बहलाना जी, हमारे युवराज का जी बहलाना जी, और हमारे युवराज की दुल्हन का भी जी बहलाना है। जी हाँ जरूर बहलाएंगे जरूर। अबे चुप। जी हाँ बहलाएंगे बहलाएंगे बहलाएंगे। अबे चुप चुप चुप। अरे इसे हंसने दो, हम इस तुपले हम इस पुतले से बड़े खुश हैं। क्या कहा? इसे खूब डांटिए और बहुत डांटिए प्रोफेसर जी। क्या कहा प्रोफेसर? ये तो अली बाबा, अली बाबा छुपा हुआ खजाना जानता है। अरे थैंक यू जैक। खजाना? कैसे खजाना? दिल की बात, ये दिल की बात जानता है। अच्छा तो तुम दिल की बात भी जानते हो। हाँ अच्छा बताओ हमारे दिल में क्या है? क्यों जी? अरे नहीं नहीं ये बताओ कि अली बाबा हमारे युवराज के दिल में क्या है? कुछ नहीं महाराज, युवराज ये सोचते हैं कि अगर बंद मुट्ठी खुल गई तो क्या होगा। बंद मुट्ठी? ये बंद मुट्ठी कैसी मुट्ठी? बंद मुट्ठी है युवराज, तुम्हारी मुट्ठी बंद है जी? अब मुट्ठी बंद है जी? नहीं खुली। भाई देवी जी हमें ये तमाशा बहुत पसंद आया, देवी जी बहुत पसंद आया, खेल बहुत पसंद आया। चलिए महाराज आपके छींकने का वक्त हो गया। चलिए आपकी महफिल बर्बाद कीजिए, हम जाते हैं, हम जाते हैं आपकी महफिल। चलिए महाराज। गुलाम हाजिर है। हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। युवराज मेरे बारे में सोचिए मत। मैं कोई देखने सोचने की चीज नहीं हूँ। देखिए ना सूरज से तो बिल्कुल चिड़ी का गुलाम मालूम होता हूँ। अलबत्ता आदमी बहुत काम का हूँ। दरबार में हमारे मतलब जो तुमने कहा उसका मतलब क्या है?
हजूर आप तो खुद समझदार हैं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता हजूर। हम तो खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देख। इसमें से एक पर्ची ले लीजिए हजूर, ले लीजिए ले लीजिए। आधा वर्ष है घबराइए मत हुजूर, इस पर्ची में जो लिखा है उर्दू में सीन, अंग्रेजी में एस और हिंदी में सा कहते हैं। तुम्हारा मतलब? वल्ला मतलब तो बिल्कुल साफ है हजूर, मतलब ये है कि आजकल आपका दिल एक ऐसी लड़की के चक्कर में फंस गया है जिसका नाम इस हर्फ से शुरू होता है, सच है ना हजूर? ये बंद मुट्ठी क्या है? बंद मुट्ठी हजूर? हाँ हजूर बंद मुट्ठी आपका दिल है हजूर, अगर मुट्ठी खुल गई तो आपका दिल भी गुलाब के फूल की तरह खिल उठेगा हजूर, जब तक फूल खिलता नहीं ना तो वो बंद मुट्ठी ही रहता है। हम समझे थे कि वो आप क्या समझे थे हजूर? कुछ नहीं प्रोफेसर, सुनो प्रोफेसर, तुम कोई ऐसा इल्म भी जानते हो जिससे कि युवराज, प्रोफेसर एक्स, प्रोफेसर वाई एंड प्रोफेसर जेड आपका हर मतलब अच्छी तरह से समझता है। आपका मतलब है कि आप उस गुलबदन को जिसका नाम सीन यानी सा यानी एस से शुरू होता है उसे अपनी मोहब्बत की जंजीरों में हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेना चाहते हैं। बात तो कुछ ऐसी है प्रोफेसर। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है, लेकिन युवराज साहब मुझे उस गुलबदन से, मेरा मतलब है आपकी गुलबदन से मिलना होगा। इजाजत। उसका नाम सीमा है, वही जो आपके साथ दरबार में थी। हाँ। तो अब देखिएगा मेरे हाथ का कमाल। युवराज आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। प्रोफेसर साहब आपने तो कमाल कर दिया, युवराज साहब के दिल की बात तो आपने ठीक ठीक बता दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन आप कौन है? जी मैं युवराज साहब का चमचा हूँ, मेरा मतलब है सेक्रेटरी यानी एडीसी हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी प्लीज टू मीट यू। थैंक यू थैंक यू। प्रोफेसर साहब मेरा भी एक छोटा सा काम कर दीजिए। बोला बोला बोला। मेरा भी दिल एक जालिम के पेचदार जुल्फों में अटक गया है। ओह वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस, पेचदार जुल्फों और दिल, इट्स वेरी डेंजरस। आप एक काम कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मरने के बाद आपके खाल में भूसा भर के रियासत के अजायब घर में लटका दूंगा। व्हाट? मेरा मतलब है आपका पुतला लटका दूंगा। पुतला पुतला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ गई आ गई। मिस्टर सेक्रेटरी स्टॉप स्टॉप। सुनो तुम क्यों उधर जा रहे हो? मंजिल खुद तुम्हारी तरफ आ रही है। प्रोफेसर साहब यही है मेरी मंजिल। काफी अच्छी है ये मंजिल, मुझे मिलेगी। ओ श्योर श्योर श्योर। लेकिन सुनो तुमको थोड़े जूते खाने पड़ेंगे। जूते? हो जरूर खाएंगे जूते। उसमें वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहा क्या कहा? क्या खाना पड़ेगा? क्या खाना पड़ेगा? ये अकेले अकेले क्या खाने की बातें हो रही हैं? ये कुछ जूए जलेबी खाने की बात हो रही थी, तुमको भी खिलाएंगे। अरे ये तो बड़े गुणी आदमी निकले, ये तो सबके दिल की बात बताते हैं। सुनिए वो आपकी सखी है ना सखी, उसका दिल जरा आजकल थोड़ी तकलीफ में है। जी हाँ जी हाँ, आपने ठीक कहा। मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी सखी से मिलाऊं। आपके साथ? जी हाँ। तो इनका क्या होगा? कोई परवाह नहीं, मेरी कोई फिक्र मत। शोभा देखिए बात क्यों हुई कि आप कुछ मत बताइए, बिल्कुल कुछ मत बताइए, सिर्फ मेरा कमाल देखिए। अगर इतराज ना हो तो अपना खूबसूरत हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, दीजिए ना। वाह 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 वाह, बड़ा ही नरम हाथ है जी। घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। मेरा मतलब यह है कि ऐसे नरम हाथ वाली लड़कियां हमेशा परेशान रहती हैं। देखिए लोग हाथ इस तरफ से देखते हैं लेकिन मैं इधर से देखता हूँ, इसे इल्मे कयाफा कहते हैं। लेकिन इल्मे कयाफा तो सूरत से ताल्लुक रखता है। आप तो उस पुराने इल्म की बात कर रहे थे,
ये नया इल्म है, इसे मैंने ईजाद किया है। आपके मन में कुछ चिंता रहती है ना? जी हाँ। और वो भी युवराज के बारे में? जी हाँ। आप उस युवराज को पसंद भी करती हैं और ना पसंद भी करती हैं, ठीक है ना? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रोफेसर। मैं हमेशा ठीक कहता हूँ। प्रोफेसर जी, मेरे समझ में नहीं आता कि युवराज को क्या हो गया है। वहाँ दिल्ली में वो क्या थे और यहाँ क्या हो गया? यही तो मैं भी आपसे कहने वाला हूँ। जिस तरह वो दिल्ली में आपसे मिलते थे, मेरा मतलब समझती है ना आप, उस तरह वो आपसे यहाँ नहीं मिलते। हाँ, वहाँ दिल्ली में वो कुछ और थे और यहाँ बिल्कुल और हैं। वहाँ तो वो, वहाँ क्या थे वो? हवा का झोंका, बगुला, एक ऐसा तूफान जो मिनटों सेकंडों में, जो अपने साथ हर चीज को बहा ले जाता था। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, आपने दिल्ली वाले युवराज का जिक्र कुछ यूं किया कि आपके साथ मैं भी जज्बात की रौ में बह गया। सीमा, माफ कीजिएगा मिस सीमा, मेरा इल्मे कयाफा इतना जरूर कहता है कि आपकी परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। सच? युवराज के दिमाग की साइकिल ठीक तरह चलने लगी? वो मैं कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके दिल को सुकून जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा सीमा देवी। अच्छा, इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी आधा वर्ष। जैक, जैक, अरे आज तू बहुत हसीन मालूम होता है प्यारे, जानता है क्या हुआ? तुम्हारी मरम्मत। अरे आज तू कुछ भी बोल, तेरी कड़वी बात भी मीठी लगेगी। अरे सीमा मुझसे मोहब्बत करती है सिर्फ मुझसे। युवराज की दौलत, उसका ठाट बाट, उसका सब कुछ उसकी मोहब्बत को नहीं जीत सका प्यारे, नहीं जीत सका। चाल तो तुमने अच्छी चली थी दोस्त, मगर अफसोस कामयाब नहीं हो सके। हमें तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी। सरकार, इस बदमाश को तो मुर्गा बना देना चाहिए। नहीं, यह हमसे मुकाबला करना चाहता है, मोहब्बत की बाजी हमसे जीतना चाहता है, हम इसे पूरा मौका देंगे। तुम सीमा से मिलना चाहते हो, बहुत अच्छे। सेक्रेटरी सरकार, सीमा देवी, मैं पास आने की जरूरत कर सकता हूं? चुप चुप से खड़े हैं वो, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। क्या मजाक है ये? अजी, हमको आता है प्यार पे गुस्सा और हमको गुस्से पे प्यार आता है। अरे सीमा देवी, देखिए ना, आपके साथ आपकी जुल्फें बिगड़ने लगे। हाँ देखिए ना, सच कह रहा हूँ। युवराज, आपको सब याद आ गया? अजी मैं भूला ही कब था, जब याद आया मुझे। नहीं, मैं समझी थी आपकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी और हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहेंगे। सीमा देखो, हर सुबह की शाम और हर शाम की सुबह होती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि मैं सब कुछ भूल जाता? आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत दिनों बाद मेरे दिल को करार आया है। सच? Mm-hmm.
प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये नहीं बताते कि दिल्ली में सीमा के साथ आपकी क्या क्या बातें हैं,
तो शायद हम उसकी मोहब्बत कभी ना जीत सकते। ये धोखा है युवराज, सीमा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। जिस दिन उसे ये राज पता चल गया कि मैं और आप दो अलग अलग आदमी हैं, वो आपसे नफरत करने लगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। हम सीमा से बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और देखो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तुमको हमारा मेहमान बनकर यहीं इसी तरह रहना होगा। सब आधा वर्ष इस आदमी पे कड़ी नजर रखना, और देखो किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमारी कैद में है। ओके? यस सर। गुड बॉय। थैंक यू। गुड बॉय, शट अप नहीं बोला, कड़ी नजर। अरे भोंदू, मैं सारी जगह ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे मक्खियाँ मार रहे हो। अरे जरा धीरे से बोल, धीरे से बोल, मैं यहाँ पैरे पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो सेक्रेटरी से तुम पहरेदार बन गए? हाँ, ऐसा मालूम होता है युवराज ने तुम्हें तरक्की दे दी। अरे अगली, तू नहीं समझती, मैं यहाँ एक जरूरी काम से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्या जरूरी काम है? तुम जानना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्यों? ये एक राज है, राज। हमसे भी नहीं? देखो ना, ये मेरी नौकरी की बात है। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस कमरे में वही लड़का कैद है जिसकी शक्ल राजकुमार से मिलती जुलती है, तो सरकार मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सच? शोभा, देखो, अगर ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि ये वही लड़का है जिसकी मुलाकात दिल्ली में सीमा से हुई थी और झूठ मूठ का राजकुमार बना था, तो सरकार मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गर्दन उड़ा देंगे? तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी जान खतरे में है? हाँ, खतरे में है। इससे बेहतर यह है कि तुम उसे ये राज न पूछो। हाँ, ठीक है ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये राज मुझे नहीं बताया। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखो, तुम यहाँ बैठ के आराम से पहरेदारी करो। हाँ, मैं फिर आऊंगी। अच्छा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। डार्लिंग 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 डार्लिंग, क्या बात है रानी जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हूँ। उनकी याद वापस आ गई शोभा, उन्हें सब याद आ गया, एक एक बात याद आ गई। किसे? युवराज को। उनके दिमाग की साइकिल बिल्कुल सीधी चलने लगी। और तेरे दिमाग की साइकिल बिल्कुल उल्टी चलने लगी है। ए शोभा की बच्ची, क्या हुआ तुझे, मुंह क्यों फूला हुआ है? सेक्रेटरी से झगड़ा हुआ है क्या? देखती हूँ, तू अपने आप को संभाल, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। देख शोभा, कोई बुरी खबर हो तो मत सुनाना, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अच्छी भी है और बुरी भी। फरमाइए। तू कहती थी ना युवराज वो आदमी नहीं है जो होटल में पहली बार मिला था। वो तो मेरा वहम था बिल्कुल। अरे वहम नहीं है, हकीकत है। क्या मतलब? एक ही सूरत के दो आदमी हैं। क्या? इसीलिए कहती हूँ तुम अपने आप को संभालो। वो आदमी जो तुमसे पहली बार मिला था वो दूसरा है और युवराज दूसरा, मगर वो तो युवराज था। वो युवराज था नहीं, बना हुआ था। ये झूठ है, झूठ है, तो जाके देख लो। पहला आदमी युवराज के कैद में है और युवराज का सेक्रेटरी पहरा दे रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है शोभा? अभी कुछ देर पहले तो युवराज मेरे साथ थे और वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे वो दिल्ली में करते थे। ओफ वो सीमा, तो समझते क्यों नहीं है, कैदी से हर बात पूछी जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ए जैक, क्या है? मैंने फैसला किया है कि हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। कैसे? मैंने एक तरकीब सोची है। देख, तू आराम से यहाँ बैठना, मैं अभी आता हूँ। देख, शोर और मत करना, रियासत का मामला है, कहीं मारे जाएंगे। क्या चीची चीची करता है? अरे नाराज क्यों होता है दोस्त, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। क्या है मेरे फायदे की क्या बात है?
सुन, तेरे ये मंगल और शनि। खैर भाई खैर, ये मंगल और शनि कोई मेरे सगे वाले नहीं है। मैं तुम्हारे सगे वालों की बात नहीं कर रहा, फिर तुम्हारी तकदीर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे ग्रहों की बात कर रहा हूँ। ओ, मैं तकदीर कर रहा हूँ। सुन सुन। हाँ, बोल बोल। तेरे ये मंगल और शनि जो है ना, ये दोनों एक ही पटरी पे चल रहे हैं। बस समझ लो कि जैसे दो इंजन एक दूसरे के सामने चल रहे हैं। जानते हो ऐसे में नतीजा क्या होता है? अरे जब एक इंजन दूसरे से टकराता है तो क्या होता है? हाँ, तो गाड़ियां पलट जाती है। बस मेरी जान, तेरी मोहब्बत की गाड़ी भी पलटने वाली। मेरी मोहब्बत की गाड़ी? ए भाई, मेरी मोहब्बत की गाड़ी न पलटे, ऐसा कोई काम कर बाबा कि मेरी मोहब्बत की गाड़ी न पलटे, भगवान के लिए। गुरु प्लीज प्लीज। देखो, बोलो। मैं जैक से बात करता हूँ, तू दरवाजा खोल के अंदर आ जा। वेरी गुड। दरवाजा खोल के अंदर आ जा। ए जैक, क्या है यार? ये अपना बंधु है ना, बंधु, इसकी मोहब्बत चौपट हो रही है, कोई तरकीब लगा ना। प्लीज जैक, मेरी मोहब्बत में मुझे हेल्प करो प्लीज। थैंक यू, प्लीज हेल्प करो जैक। ओह, सुनाई नहीं दिया कुछ। जो कहूंगा करेगा? हाँ, जरूर करूंगा। एक पाव तेल लाओ। तेल? अभी लाया तेल है। रहो, एक नींबू। नींबू, अच्छी बात है। सात काले दाने। सात काले दाने भी? अच्छा, वो भी लाऊंगा। और कुछ? और आंखें बंद करके तुम जाप करो। अरे मैं जाप करूं? मोहब्बत उसकी और जाप मैं करूं? मुझसे नहीं होता। अरे भगवान के लिए जाप करो ना, क्या हुआ उसने तुम्हारा? क्या यार, तुम अपनी मोहब्बत में मुझे कहां घसीट रहे हो? अरे यार, उम्र में एक बार मोहब्बत करने का मौका मिला और तुम जाप नहीं कर रहे हो? भगवान के लिए जाप करो। जैक, तू कमाल है यार, कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। अच्छा ऐसा कर, सब सामान जल्दी लेके आ, जाप का वक्त निकला जा रहा है। अभी लाया। गुरु, मैं सब सामान ले आया हूँ। गुरु, मैं तेल लाया, लींबू लाया। देखो, मुझे चकमा देकर भाग गया। अब मैं सरकार को क्या कहूंगा? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जिससे तुम्हारी मुलाकात स्टोरी होटल में हुई थी, मेरी निशानी है जैक। डार्लिंग, मैं वही हूं जिसे तुमसे मोहब्बत है। तुम झूठे हो, दगाबाज हो, फरेबी हो। मेरा यकीन करो डार्लिंग, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं राजकुमार किसी को धोखा देने के लिए नहीं बना था, बल्कि रियासत को बचाने के लिए। उन दो बदमाशों ने मुझे ऐसा ही कहा था। तो तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? उसके बाद तुमसे मुलाकात ही कब हुई? जिस दिन हमारी तस्वीर अखबार में छपी, उस दिन सब चौपट हो गए। युवराज ने हमारी तस्वीर अखबार में देख ली और वो वहां आ गए। उसके बाद तुम्हारी जितनी मुलाकातें हुई हैं युवराज से हुई हैं, मुझसे नहीं। अब क्या होगा?
जरूर। आज रात को हम यहां से भाग जाएंगे। देखो रात के 11 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम तैयार रहना। सरकार, मोहब्बत और जंग में सब चलता है। अगर आप सीमा देवी की मोहब्बत को जीतना चाहते हैं तो वही कीजिए जो मैंने आपसे कहा। तुम्हारा मतलब है हम सीमा देवी को फिर धोखा दें? सरकार, मोहब्बत और जंग में धोखा कोई चीज नहीं, हर चाल ठीक है। अगर आप सीमा देवी को अपनाना चाहते हैं तो आप भी वही लड़का बन जाइए जिसकी शक्ल आपसे मिलती जुलती है। जिस बात का वो फायदा उठा रहा है आप भी उठाइए सरकार। वो तो सब ठीक है, मगर हम ये सब करें कैसे? सरकार, उस लड़के ने आज रात को सीमा को ले जाने का वादा किया है। हाँ, और वो लड़का है बम। आप उसकी जगह जाइए और सीमा को महल से रातों रात बाहर निकाल ले जाइए। हम ऐसा ही करेंगे, मगर उससे पहले हम सीमा देवी का गुस्सा ठंडा करना चाहते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी तो आसान बात है। आप सीमा देवी को वही कहानी सुनाइए जो आपने दिल्ली में उस लड़के से सुनी थी। चलो सीमा जल्दी करो। हाँ डार्लिंग चलो ना। हमें किसी ने देख लिया तो? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे एडीसी ने सब बंदोबस्त कर दिया है। अच्छा, मुझे मत समझिए। वो हमें दिल्ली में मिलेंगे, चलो ना डार्लिंग। भाई साहब अभी आप आराम कीजिए, वो लोग तो चले गए। आपको उस वक्त सराहा किया जाएगा जब उन लोगों की शादी हो जाएगी, समझे? शाबाश। घबराना नहीं, तुमको भी पेड़े खिलाएंगे, पेड़े, मीठे पेड़े, मजेदार पेड़े। क्या मजा आएगा शादी के हो गया। सरकार, मैं बर्बाद हो गया। सरकार, 100 गालियां दीजिए, 1000 चुकी हमारी शादी में लटका दी। आसपास बंद करा रही है, हुआ क्या? सरकार, वो भाग गया। कौन? वो जादूगर। कैसे भाग गया? वो कहने लगा कि मैं सुंदरी की तस्वीर बनाऊंगा। कौन सुंदरी? ओ सीमा देवी की सहेली। फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि मैं ये सुंदरी की हूबहू तस्वीर बनाऊंगा। ये अभी बोलने लगेगी, अभी गाएगी, वो नाचेगी। झनक झनक नाचना बंद करो। बंद कर दिया हुजूर। बाजी हाथ से निकल गई। नहीं सरकार, बाजी अब भी हाथ में है। अब तो हाथ में तुम्हारा सर है। सरकार, सर नहीं, पुतला है। गोली मारो उस पुतले को। सरकार, ये पुतला जिसके हाथ में हो वो है। कौन वो है? वो जिसको वो प्यार करती है, सीमा देवी, एडीसी। सरकार, अभी तक तुम्हारे इधर भेजा है। थैंक यू। पुतला मुझे दे दो। नमस्ते जी। जी, मैं सीमा से मिलना चाहता हूँ। सीमा इस वक्त बाहर गई है, शादी की तैयारी में लगी है। श्याम नगर के युवराज से शादी हो रही है, उसके पिताजी ने भी आशीर्वाद दे दिया है। आपका नाम क्या? काम था? मैं उनके नाम एक संदेशा छोड़ना चाहता हूँ, मेहरबानी करके कागज दे दीजिए। बैठिए। सीमा, शायद किस्मत यही चाहती है कि इस जन्म में हमारा मिलन ना हो, इसीलिए पहले दिन भी अस्टोरिया होटल में तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई थी, मगर नाम राजकुमार का था। उसके बाद भी तुम मिलती तो मुझसे रही, मगर नाम राजकुमार का ही रहा। फिर नसीब ने पलटा खाया और तुम राजकुमार के साथ शामनगर चली गई। मैं अपनी जान पर खेल कर प्रोफेसर बनकर तुम तक पहुंचा, मगर किस्मत ने साथ ना दिया, मेरा भेद खुल गया और युवराज ने मुझे कैद कर लिया। इसके बाद वो मेरा नाम लेकर तुमसे मिलता रहा। आखिर मैं उसकी कैद से भाग निकला
और तुम्हारे साथ रात को निकल चलने का प्रोग्राम बनाया, मगर वहां भी नाकाम हो गया और फिर पकड़ा गया। तुम जिसके साथ श्यामनगर से दिल्ली आई हो वो मैं नहीं युवराज है। अब सुना है तुम्हारी शादी हो रही है, मुबारक हो, तुम खुश रहो। राजेंद्र, ये सब क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, कभी राजेंद्र कभी युवराज, कभी युवराज कभी राजेंद्र। सुन, मेरी समझ में एक तरकीब आई है, जल्दी बोल। राजेंद्र यानी कि प्रोफेसर ही जैक का तमाशा दिखा सकता है, युवराज नहीं। मगर जैक तो रंदर के साथ है, वो राजेंद्र नहीं युवराज है। ये तो क्या बक रही है, बक नहीं रही और सच कह रही है। राजेंद्र को कैद करके युवराज उसका जैक लेकर अपने साथ आया है। कितना बड़ा धोखा, धोखा है या नहीं वो आज रात को मालूम हो जाएगा। आज हम आपके सामने एक अजीब तमाशा पेश करना चाहते हैं। वो है जैक के पुतले का खेल, जिसको मिस्टर राजेंद्र कुमार अपना दिल कहते हैं। डाली, ये शोभा का क्या गुरु बनता है? ये शोभा की बच्ची है ना, जब जी चाहे किसी को फंसा देती है। जैसे तुम्हें फंसा दिया था। बोलो ना। मिस्टर राजेंद्र कुमार आइए ना, जाओ ना, उठो। मगर डालेंगे क्या बात, मैं क्या करूंगा? जैक का तमाशा दिखाओ, उठो उठो। जो हुक्म डालें। आइए ना मिस्टर राजेंद्र कुमार, आइए आइए। आप हैं मिस्टर राजेंद्र कुमार। दोस्त जैक, मेरी इज्जत रख लेना। चार दोस्त चार, अरे नींद आ रही है क्या? सुनता नहीं मेरा, सुनता नहीं जाग। बोले क्या, कैसे, क्यों नहीं, साहबजादे को वो कमाल नहीं मालूम। ए जैक, मेरे पेट में दुखता है क्या? अरे पेट में काय तो मेरे से भी ज्यादा खाता है। साहिबान, ये बुद्धू आज मेरा कहना नहीं मानता, माफ कीजिएगा, मैं बुद्धू नहीं, तुम बुद्धू हो, आ जाओ मैदान में। थैंक यू जैक। कल तुम्हारी शादी होने वाली है ना? हाँ दोस्त, तुम्हें बारात में ले चलूंगा। मुबारक हो। मैं तुम दोनों को सुखी देखना चाहता हूँ। अब मैं सो जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। गुड नाइट। चल बेटा। अब वो शोभा की बच्ची अब यकीन आया तुझे? चेक बोला तू? सीमा ठहर, मैं भी आई। ये कहाँ गई? आती होगी, सच तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुम्हें अच्छा लगा ना डार्लिंग? हाँ, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बस दो मिनट में आता हूँ, यही रहना। सुंदरी, तमाशा पसंद आया ना? तमाशा, और बहुत अच्छा तमाशा था। ये राजेंद्र पुतली से कितना अच्छा काम लेता है ना? और राजकुमार तुमसे कितना अच्छा काम लेता है, जहाँ देखो उसके पीछे पीछे। हाँ, जहाँ राजकुमार वहाँ। राजकुमार यहाँ कैसे? हाँ, तो फिर तुम यहाँ कैसे? मैं राजेंद्र के पीछे पीछे चला आया। अच्छा अच्छा, कल उसकी शादी होगी और हमारी भी। हाँ, कल शादी नहीं होगी। क्यों? अरे बुद्धू, सीमा उस नंगे भूखे राजेंद्र से क्यों शादी करेगी? उसे तो चाहिए बड़े बड़े महल, हीरे, जवाहिरात, पालकियां वगैरह वगैरह। तो क्या लड़कियां वगैरह वगैरह से शादी करती हैं? हाँ। लेकिन मेरे पास तो कोई वगैरह वगैरह नहीं है। बुद्धू,
वगैरह वगैरह के बगैर भी शादी हो सकती है। हाँ तो फिर जल्दी जल्दी बताओ। बताती हूँ, इधर आ। वो देखो राजेंद्र आ रहा है। ये तो राजेंद्र ये तो क्या, ये तो आ गया, जल्दी से उसको पकड़ लो ना। अरे सुंदरी ये कैसे हो सकता है, फिर शादी कैसे हो सकती है। हाँ जल्दी से जाके पकड़ लो, पकड़ लो, जाओ ना। ये क्या बदतमीजी, माफ करना सरकार, ये रात की बात है। अबे रात का झंडे में छोड़ू, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे क्या समझता है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सरकार शादी का मामला है, मान जाइए ना। अबे शादी के बच्चे मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। हाँ जेल में? हाँ। अरे चाचा तेरे जैसे बहुत देखे हैं जेल में डालने वाले। क्या कहा? सरकार थोड़ी देर के लिए मान जाइए, सुंदरी ने कहा। ओ शट अप, कौन सुंदरी, सुंदरी का बच्चा, मैं तुझे फांसी चढ़ा दूंगा, तेरी खाल खिंचवा दूंगा। हुजूर मान भी जाइए, एक राज की बात है, मामला बड़ा गंभीर है। हां मेरी कुछ समझ में नहीं आता, तुम क्या? तुम राजेंद्र को कमरे में ले जाओ और मैं सीमा को लेकर अभी आती हूं। सुंदरी, सुंदरी यही है क्या? सीमा, क्या सारा भांडा फूट गया? वो जो अपने साथ आए हैं ना, अरे जिससे तेरी शादी होने वाली है, वो युवराज है। युवराज? क्या बकवास, भक्ति नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अगर वो युवराज है तो वो पुतले को बुलवा कैसे सकता है? वो तो भगवान जाने, लेकिन एडीसी ने कहा है कि वो युवराज ही है। मैं यही छू, हे भगवान। समझ में नहीं आता राजेंद्र ने ऐसा क्यों किया। सरकार मैं सुंदरी से जाकर पूछूं, शायद उसको ये राज मालूम हो। हाँ गोली मारो सुंदरी को, जरूर इसमें कोई चाल है। इसमें कोई चाल नहीं युवराज। सरकार मैंने इसको पकड़ लिया, कैद में डाल दूं। छोड़ दो इसे, ये रियासत नहीं होटल है। युवराज मैंने इरादा कर लिया है, आपके और सीमा के बीच में हट जाओ। अरे तुमको हटना पड़ेगा मिस्टर, कल हमारे युवराज की शादी हो जाएगी। मैं चाहूं तो शादी रोक सकता हूं, मगर मुझे तो सीमा का सुख चाहिए, और मैं जानता हूं सीमा सिर्फ युवराज के साथ शादी करके सुखी होगी। तुम्हारी बात का यकीन नहीं आता। युवराज एक ही शर्त है मेरी, बस एक ही मिन्नत, मेरा पुतला मुझे वापस कर दीजिए। ताकि तुम सीमा को यह विश्वास दिला दो कि मैं राजेंद्र नहीं युवराज। मुझे क्या बुद्धू समझते हो? युवराज मुझे गलत मत समझिए, बस ये पुतला मुझे दे दीजिए, मैं इसे लेकर कहीं भी चला जाऊंगा। अगर ये पुतला ही भेद की चाबी है, इसे अभी तुम्हारे सामने खत्म कर। मैं जान गई कि कौन कौन है। राजेंद्र लो अपना पुतला संभालो। शुक्रिया। मेरे अंजाम मुसाफिर, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, तुमने युवराज से मेरी मुलाकात करवा दी, मेरी किस्मत जगा दी। मैं युवराज से शादी करने वाली हूँ। सच सीमा? जी हाँ, महल छोड़कर झोपड़ी में जिंदगी कौन गुजारेगा। सीमा देवी भगवान तुम दोनों को खुश रखे। सीमा देवी। जी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे सपने इस तरह से पूरे हो जाएंगे। युवराज जी सपने देखते ही रहिए। मतलब? कुछ नहीं, राजेंद्र को पुतला दिलवाना ही था। क्यों? इसलिए कि वो उसकी जिंदगी है। अच्छा किया, उसे उसकी जिंदगी मिल गई और मुझे मेरी। कल तो हमारी शादी हो जाएगी। हाँ जरूर हो जाएगी। हुजूर कल दो शादियां होगी ना? दो शादियां? हाँ, वो सुंदरी है ना सुंदरी। कौन सुंदरी? ये जानते हैं, वो सुंदरी है ना, उसकी मेरी शादी। सुंदरी? हाँ। सुंदरी की बात सुंदरी जाने, मेरी शादी हो जाएगी। मेरी भी शादी हो जाएगी।
मैं कितना खुश नसीब हूँ। वो तो आप जन्म से ही हैं। था नहीं, हो गया। मैं चली। बैठो ना, दिल की तो बातें करेंगे। देर हो रही है, मनाना है। किसे? लूट कर जाने वाले को, जिससे मेरी शादी हो रही है। शादी तो मुझसे हो रही है, मैं तो रूठा नहीं। आप नहीं, जो अभी अभी यहाँ से गया है। राजेंद्र, ये तुम क्या कह रही हो सीमा देवी? वही तो है वो, जो मुझे सीमा देवी नहीं कहता। मुझे यकीन है आप मुझे नहीं रोकेंगे। बुद्धू का बुद्धू रहा। बकवास बंद कर। तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? क्या कहना है तुम? सीमानी कहा मैं जान गई कौन कौन है, और उसने ये भी कहा कि महल छोड़कर झोपड़ी में कौन रहे। लेकिन वो तुम्हें चाहती है। देख जैक, तू युवराज के हाथों से बच गया है, लेकिन मैं अभी तेरा खात्मा करूंगा। जैक ने ठीक कहा, सच तुम बुद्धू हो। हाँ तो नहीं, हो गया। मेरी आंखों में देखो, कुछ दिखाई नहीं देता। याद है हम कैसे मिले थे? जैसे दो अनजाने अनजाने। नहीं, जैसे दो दीवाने। रास्ते में दो अनजाने, ऐसे मेरे दीवाने, जैसे नहीं